हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल यूनिट। टेम्परेचर के स्केल्स के यूनिट्स को आज हम कन्वर्ट करेंगे। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हमने टेम्परेचर स्केल के कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ऐसा ट्रिक आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें आपको तमाम टेम्परेचर स्केल्स के कन्वर्जन फार्मूला को याद नहीं रखना पड़ेगा और आसानी से आप किसी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर के यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए तकरीबन 8 टेम्परेचर स्केल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कॉमनली आप अपने कोर्स में जिसको हाईलाइट किया गया है वो टेम्परेचर स्केल डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरनहाइट, ये 3 स्केल जो हैं आमतौर पे आपको ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं। और फर्दर स्केल्स जो हैं वो भी हमने 5 फर्दर स्केल भी आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब देखिए, आपको पता है टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल के यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे फार्मूलास याद रखने पड़ते हैं। जैसा कि देखिए, सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्जन करने के लिए ये फार्मूलास आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी तरह से फॉरनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फार्मूला, केल्विन टेम्परेचर के लिए ये फार्मूलास, न्यूटन टेम्परेचर के लिए ये फार्मूलास, रॉमर्स टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन के लिए ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे और रियोमर टेम्परेचर के स्केल को कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे और रैंकिन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। और इसी तरह से ये तमाम फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे और तकरीबन ये फार्मूला की तादाद जो है 84 है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और हम आपको एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसकी मदद से इन तमाम फार्मूला को आपको याद रखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हमने यहाँ पर टेम्परेचर डिवाइसेस बनाई हैं और टेम्परेचर के स्केल बनाए हैं आपको समझाने के लिए। अब इसमें हमने यहाँ पर एक ट्रिक की मदद से इनके फार्मूलाज बनाए हैं और फिर उन फार्मूलाज की एक इक्वेशन आपके लिए तैयार की है। इस इक्वेशन को तैयार करने के लिए इस फार्मूला को बनाना जो है बहुत आसान है। हमने क्या किया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के स्केल की मार्किंग पर जो वैल्यू बनती है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो केल्विन में 273.15 की मार्किंग से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर शुरू होता है और बॉइलिंग पॉइंट इस स्केल के ऊपर 373.15 पर इस बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह से सेल्सियस में 0 से फ्रीजिंग पॉइंट शुरू होता है और 100 पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इस तरह से फॉरनहाइट में 32 से फ्रीजिंग पॉइंट शुरू होता है और 212 पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इस तरह से सारे हमने टेम्परेचर स्केल पे इसके बॉइलिंग पॉइंट्स और फ्रीजिंग पॉइंट को मार्क किया है। यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें, ये जो स्केल है सारे, इस स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा और जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके दरमियान मार्किंग का जो डिफरेंस आता है जो वो है 100। और यहाँ पर सेंटीग्रेड सेल्सियस में जो मार्किंग का डिफरेंस जो आता है वो भी 100 है। वैसा से फॉरनहाइट में 180 है और वैसा से रैंकिन में भी 180 है और बाकी भी मार्किंग के डिफरेंस जो है हमने यहाँ पर आपको बताए। इस स्केल को कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों वैल्यूज की मदद से हम एक फार्मूला तैयार करेंगे। वो हम कैसे करेंगे कि जैसे देखिए कि केल्विन जो स्केल है उसका हमने केल्विन का सिंबल यहाँ पर ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट की मार्किंग के जो वैल्यू है उससे हमने इसको माइनस कर दिया और जितने स्केल
जितने स्केल के ऊपर जितने पॉइंट के ऊपर ये डिवाइडेड है उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। उसी तरह से सेल्सियस के लिए डिग्री सी हमने यहाँ लिखा, माइनस कर दिया इसका बॉइलिंग पॉइंट और फिर उसको डिवाइड कर दिया। इतनी मार्किंग के अंदर ये स्केल डिवाइडेड है उस मार्किंग से हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसी तरह से फॉरनेट को भी हमने ऐसे लिया, फॉरनेट का जो है डिग्री फॉरनेट से माइनस किया हमने, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नंबर को हमने माइनस किया और जितने मार्किंग के अंदर ये स्केल डिवाइडेड है उस मार्किंग से हमने इसको डिवाइड कर दिया। और जितनी मार्किंग के अंदर ये स्केल जो है डिवाइडेड है उन सब से हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर। और इसकी मदद से हमारे पास एक फार्मूला तैयार हो गया और ये फार्मूला हमारे बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसकी मदद से हम किसी भी एक स्केल को डायरेक्ट दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी का बात होगा कि अगर स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे तो उनको इन स्केल्स के ऊपर जो फ्रेजिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट और स्केल की मार्किंग का जो डिफरेंस है वो आसानी से याद हो जाता है और उसकी मदद से वो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। और जब फार्मूला वो यहाँ पर लिखेंगे तो ये इस एक इक्वेशन की शक्ल में बन जाएगा और ये इक्वेशन आपको किसी भी टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में, किसी भी टेम्परेचर को किसी और टेम्परेचर में कन्वर्ट करने में इंतहाई हेल्पफुल होगी। अब हम क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि अब हम इस फार्मूला इक्वेशन की मदद से इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे दूसरे स्केल में। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर वन में एक बहुत ही अहम टेम्परेचर जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को लिया है डिग्री केल्विन में, जो उसकी वैल्यू बनती है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की उसको लिया है और इस टेम्परेचर को हम डिग्री सी में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरह से डिग्री सेल्सियस में जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास ये होगा और इसी को हमने यहाँ पर उठा लिया है और इसी टेम्परेचर को हम फिर एक फॉरनेट में कन्वर्ट करेंगे और इसी टेम्परेचर को हम फिर दूसरे रैंकिन सेल में कन्वर्ट करते हुए, सारे स्केल में कन्वर्ट करते हुए इनके आंसर को फिर हम वही आंसर जो कि हमारे पास जो हमने जहाँ से शुरू किया था कन्वर्ट करते हुए वापस हमारे पास वही आंसर आ गया, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310.15 डिग्री केल्विन। ये हमारे पास वो टेम्परेचर आ गया जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर। और यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से इस कन्वर्जन से एक और भी फायदा हो गया कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की डिग्री जो है वो तमाम स्केल में हमने मालूम कर ली और उसी को वापस कन्वर्ट करते हुए हमने वापस उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो वो दोनों आंसर हमारे सेम हो गए जहाँ से हम शुरू हुए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 310.15 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सी डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और हमने डिग्री सेल्सियस को यहाँ से उठा लिया, हमने डिग्री केल्विन को यहाँ से उठा लिया। अब हमें डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था इसलिए हमने डिग्री सेल्सियस को पहले लिख लिया ताकि हमारा एक स्टेप जो है वो बच जाए। तो हमने डिग्री सेल्सियस को यहाँ रखा और डिग्री केल्विन को यहाँ रखा, ये बन गई हमारी इक्वेशन। डिग्री केल्विन की टेम्परेचर की वैल्यू को इस जगह पर पुट कर दिया और फिर हमने इसको इस वैल्यू को जब हमने पुट किया तो वो इस शक्ल में आ गई और इसके बाद हमने इसका मैथ सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 37 डिग्री सी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो कि 310.15 डिग्री केल्विन में था और डिग्री सी में 37 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सी हमें उसका
आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में वही हमने टेम्परेचर यहाँ पर लिया 37 डिग्री सी इज इक्वल टू हाउ मनी डिग्री फॉरनहाइट। अब हमने यहाँ से फॉरनहाइट इक्वेशन के लिए ये फ्रैक्शन जो हमने बनाई थी, ये फार्मूला बनाया था, वो उठा लिया और डिग्री सी को हम यहाँ से उठा लिया और इस डिग्री सी की जगह पर इस वैल्यू को पुट किया और फिर इसका मैथ जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 98.6 डिग्री फॉरनहाइट टेम्परेचर निकल आया। हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। और इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में 98.6 वही टेम्परेचर हमने ले लिया यहाँ पर, इसको कन्वर्ट किया डिग्री रैंकिन में और यहाँ पर हमने डिग्री रैंकिन से हमने खाली ये वाली फॉरनहाइट से वो वाली और इसमें फॉरनहाइट की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दिया और फिर इस मैथ को हमने जब सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ गया 558.27 डिग्री रैंकिन। डिग्री रैंकिन में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये होगा और जैसे हमने इस टेम्परेचर को फर्दर यहाँ पर लिया और इसको हमने डिग्री डेलिसेल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। यहाँ पर हम डिग्री डेलिसेल की जो हमने यहाँ पर बनाई है फॉर्मूला, इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रैंकिन का फॉर्मूला उठा लेंगे और हम रैंकिन और इन दोनों की इक्वेशन बन गई। हमारे पास रैंकिन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसका मैथ सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिग्री डेलिसेल में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो -94.5 डिग्री डेलिसेल है। इसी तरह हमारे पास ये एक इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यही जो टेम्परेचर था -94.5 डिग्री डेलिसेल इसको हमने यहाँ उठाया और इसको हमने इसका न्यूटन की वैल्यू मालूम करने की कोशिश की है। इस तरह से डिग्री न्यूटन को हम यहाँ से उठा लेंगे और डिग्री डेल्टा हमें पता है हम यहाँ से उठाएंगे और डिग्री डेल्टा की हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 0 माइनस जो है उसको हटा दिया क्योंकि वो फिर सॉल्यूशन में हट गया और फिर उसके हमने इस वैल्यू के मैथ को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास उसका आंसर आ गया 12.21 डिग्री न्यूटन। तो हम ये कहेंगे -94.5 डिग्री डेलिसल इज इक्वल टू 12.21 डिग्री न्यूटन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो हमने डिग्री न्यूटन जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको लिखा और उसको हमने डिग्री रियोमर में कन्वर्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर हमने डिग्री रियोमर का फार्मूला उठाया और डिग्री न्यूटन का फार्मूला उठाया और ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने डिग्री न्यूटन की वैल्यू जो है हमारे पास उसको पुट किया यहाँ पर तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसके मैथ को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 12.21 डिग्री न्यूटन इज इक्वल टू 29.6 डिग्री रियोमर आ गया हमारे पास। तो डिग्री रियोमर की जो आंसर आया हमारे पास उसको हमने अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पुट किया और उस डिग्री रियोमर को डिग्री रोमर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसी तरह से इनकी इक्वेशंस को यहाँ से उठा लिया हमने, डिग्री रियोमर की वैल्यू को जो ये थी इसमें पुट कर दिया हमने यहाँ पर और फिर इसकी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया डिग्री रियोमर 29.6 डिग्री रियोमर इज इक्वल टू 26.925 डिग्री रोमर, ये हमारा
आंसर आ गया। अब इस डिग्री रॉमर को हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में इससे हमने केल्विन में दोबारा से कन्वर्ट करने की कोशिश की ताकि हमें पता चले कि हमारा वही आंसर आता है या नहीं आता। तो हमने यहाँ पर डिग्री रॉमर के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया तो डिग्री रॉमर के फार्मूला हमने यहाँ से उठा लिया ये वाला और डिग्री केल्विन को हमने यहाँ से उठा लिया और डिग्री केल्विन को उठा लिया और हमने फिर इसके बाद इस डिग्री रॉमर की ये वैल्यू यहाँ पर पुट की जो कि ये बन गई के बाद इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो 26.925 डिग्री रॉमर इज इक्वल टू 310.15 डिग्री केल्विन। ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारा आंसर वही है जो हमने शुरू में हमने क्वेश्चन में दिया था और वापस हमें वही टेम्परेचर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी फार्मूलास हमने यहाँ पर इक्वेशन जिन फार्मूलास की बनाई थी वो बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है और बहुत एफिशिएंट और एक्सीलेंट है। इसकी मदद से आप बड़े बड़े स्केल्स को भी इसके स्केल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इन तमाम 84 फार्मूलास से आपको निजात मिल जाएगी हमेशा के लिए कि आप इनको याद रखें। 8 फार्मूलास आप भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्केल की मदद से आप बना सकते हैं और जो भी दो स्केल के दरमियान आपने कन्वर्जन करनी हो उन दोनों स्केल का जबानी फार्मूला बनाकर उन दोनों की इक्वेशन बना दें और उसकी मदद से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।